मैं टारगेट स्टोर पे बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। हम रोज हर तरह के कस्टमर्स देखते हैं, ओवर डिमांडिंग पापाओं से लेके रोते हुए बच्चे, पर हमें सबको स्माइल के साथ मैनेज करना पड़ता है। पर कई कस्टमर्स तो बिल्कुल अलग ही निकलते हैं, जैसे पहले दिखते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं होते। वो एक बोरिंग ट्यूजडे की रात थी और मैं स्टोर की सफाई कर रही थी। ये स्टोर के बंद होने का समय था कि मैंने देखा एक औरत टॉयलेट पेपर्स वाले शेल्फ के सामने खड़ी है। वो लेफ्ट से राइट की तरफ देख रही थी और अपने आप से अजीब तरह से बात कर रही थी। मैं उसे ऐसे देख के चौंक गई थी। मैंने काम करना छोड़ा और उसे देखने लगी। वो अचानक पीछे मुड़ी और बोली, मेलिसा, तुम्हारे पास काम नहीं है करने को? सॉरी मैम। मैं पीछे मुड़ी और वापस फर्श साफ करने लग गई। मुझे एक सेकेंड लगा रियलाइज करने के लिए कि अभी हुआ क्या था। एक सेकेंड, इसको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और मुझे पक्का पता है हम पहली बार मिल रहे हैं। मैंने कंफ्यूज होते हुए उसे देखा और कहा, मैम आपको मेरा नाम कैसे पता है? उसने कोई जवाब नहीं दिया और पहले की तरह खड़ी रही। मैंने जाके उसका कंधा थपथपाया और फिर वो होश में आई और ऐसे देखी जैसे ये मुझे पहली बार देख रही है। क्या आप मुझे बता सकती हैं टॉयलेट पेपर्स कहाँ मिलेंगे? मैम आप उनके सामने ही खड़ी हैं। उसने टॉयलेट पेपर्स की तरफ देखा और बहुत शर्मिंदा हो गई। मैं उसकी आंखें देख के बता सकती थी कि इतनी देर से वो वहां खड़ी थी और उसे टॉयलेट पेपर्स नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक वो किसी दूसरी दुनिया में जी रही हो। मैंने उसे फिर से पूछा, मैम आपने बताया नहीं कि आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्या मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती? तुम ये क्या कह रही हो? मैम आपने अभी मुझे मेरे नाम से बुलाया, मेरे पास तो नेम टैग भी नहीं है। मैम क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं बस शॉपिंग खत्म करके घर ही जा रही हूँ। माफ करना अगर मैंने आपको चौंका दिया हो। उस औरत ने कुछ टॉयलेट पेपर्स उठाए और अपनी कार्ट में डाल दिए। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकती थी कि उसे पता है वो थोड़ी खिसकी हुई है और कुछ छुपा रही है। वो जैसे ही मेरी आंखों से ओझल हुई, मैंने उस पर नजर रखने की सोची। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगी। वो हार्डवेयर सेक्शन से निकल के कपड़ों वाली जगह गई। उस समय स्टोर में कुछ 3-4 लोग ही थे। क्लोथिंग सेक्शन पूरा का पूरा खाली था। वो औरत लड़कों की टी शर्ट्स देख रही थी जैसे कोई नॉर्मल इंसान हो। मैंने पास के शेल्स को ठीक करना शुरू कर दिया और उस पर टेढ़ी आंखों से नजर रखती रही। 3 मिनट बीत गए और उसने पहले जैसा कुछ अजीब नहीं किया। मैंने इंटरेस्ट खो दिया ये सोच के कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा। मैंने अभी 5-6 कदम बढ़ाए ही थे कि मैंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मुझे कुछ भद्दा सा देखा। वो अपने खुद के बाल खींच रही थी और उन्हें पागलों की तरह चबा रही थी। जिस तरह से वो अपने बाल खा रही थी, मुझे तो उल्टी आने लगी थी। उसके मुंह से थूक निकल रही थी और उसकी आंखें पागलों की तरह इधर उधर घूम रही थी। मैं उसे ऐसे और नहीं देख पा रही थी। मैं तुरंत काउंटर पर गई और अपने कलीग को उस इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताया। जब तक मैं काउंटर के पास पहुंची, मैंने कस्टमर्स को जाते देखा और पॉल उस वक्त मेन एंट्रेंस बंद कर रहा था। रुको मत करो, यहां कोई है। क्या? तो उन्हें बोलो स्टोर बंद होने का टाइम हो गया है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, वो बहुत अजीब सी औरत है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा प्लीज। यूजुअल रूटीन ऐसा था कि 10 बजे मेन एंट्रेंस बंद हो जाती थी और हम लोग घर के लिए पीछे के दरवाजे से जाते थे। पॉल और मैंने बहुत से शिफ्ट्स साथ में की हैं और मोस्टली हम दोनों ही आखिर में स्टोर से जाते हैं। मैं उसे क्लोथिंग सेक्शन में लेके गई जहां मैंने उस औरत को आखिरी बार देखा था। उस स्टोर में और कोई नहीं था और अब पॉल भी घर जाने के लिए बेचैन हो रहा था। क्या है मेलिसा, यहाँ कोई भी तो नहीं है? नहीं, मैंने उसे अभी वहां देखा था, वो अपने खुद के बाल खा रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ उसके साथ कुछ तो गलत है। मेरे पास समय नहीं है ये सब के लिए। चलो स्टोर का एक राउंड लगा के चेक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। यार मुझे डेट पे जाना है। हमने स्टोर में ढूंढना शुरू कर दिया। पॉल बहुत कैजुअली वॉक कर रहा था और मैं उस औरत को ढूंढ रही थी। मैंने उसे बुलाया भी, मैम आप कहाँ हो? हम स्टोर बंद करने वाले हैं, प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए। और उसका कोई नामो निशान नहीं था। हम वापस एंट्रेंस पे आ गए। मैं उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं हटा पा रही थी जहां वो औरत गंदे तरीके से अपने बाल खा रही थी कि तभी मैंने हांफने की आवाज सुनी। मेरी आंखें पॉल पर गई जो ठीक मेरे साथ खड़ा था।
मैंने देखा उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें किसी चीज पे अटक गई थी। जैसे ही मैं मुड़ी वो औरत वहां खड़ी थी, पर इस बार तो उसके साथ सच में कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ थी और सिर्फ सफेद दिख रही थी। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसकी आईबॉल्स ही नहीं है। वो जोर जोर सी हांफती हुई गुर्रा रही थी। मैंने पॉल को फुसफुसाते हुए कहा, मैं इसी की बात कर रही थी। पॉल ने एक कदम आगे बढ़ाए और लड़खड़ाते हुए बोला, मैम क्या आप ठीक हैं? क्या हम एम्बुलेंस बुलाएं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और हमारी तरफ बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुराई। मैंने अपना फोन निकाला और पैरामेडिक्स को फोन करने लगी, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि औरत ठीक नहीं थी। मैं कॉल करना ही लगी थी कि वो अपना गला घोटने लगी। वो हवा से घुट रही थी और दर्द से कराह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। उसकी घुटने की आवाज अब गंदी खांसी में बदल गई थी और मैं और पॉल वहां बस खड़े रहे। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और हम ये देखकर इतना डर गए कि कुछ कर भी नहीं पाए। वो खांसती हुई धीरे धीरे जमीन पे गिरने लगी। हे भगवान, ये उल्टी करने वाली है, पॉल ने घृणा से कहा। और उसके बाद जो हुआ उसका तो हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था। उस औरत ने अपनी उंगली अपने मुंह में डाली और अपने गले से कुछ निकालने लगी। बहुत ही भयानक दृश्य था। कुछ पल ऐसे ही सहने के बाद उसके मुंह से एक्चुअली कुछ बाहर आने लगा। उसने जब अपनी उंगली मुंह से बाहर निकाली, हमने देखा वो क्या था। मानो या ना मानो, उस औरत ने अपने बालों का गुच्छा अपने गले से निकाला। हाँ, वही बाल जो उसने कुछ समय पहले खाए थे, वो उसने अपने पेट में से निकाले। मैं बता नहीं सकती कि वो कितना घिनौना और गंदा दृश्य था, पर हम वो सब कुछ बुत की तरह बन के देखते रहे। बहुत सारी थूक में से अपने बाल निकालने के बाद वो उठी और पॉल की तरफ मुड़ी। उसकी टेढ़ी आंखें नॉर्मल हो चुकी थी और उसने कहा, प्लीज मेरी मदद करो, वो मुझे बदलने की कोशिश कर रही है। कौन? तुम्हारा क्या मतलब है? पॉल ने पूछा, पर इससे पहले वो कुछ जवाब दे पाती, उसकी बॉडी के अंदर कोई उसकी हड्डियां तोड़ने लगा। उसकी बॉडी ऊपर और नीचे होने लगी, साइड में इधर उधर हुई और साथ में उसकी हड्डियां टूट रही। वो किसी भूतिया मूवी का सीन लग रहा था और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मैंने और इंतजार नहीं किया और पैरामेडिक्स को बुलाया। पॉल डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी सब्जियों की तरह उसकी हड्डियां एक एक करके टूट के नहीं देख पा रहा था। जब तक पैरामेडिक्स आए, तब तक वो जमीन पर एक कचरे के थैले की तरह पड़ी हुई थी और सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखें डर और दर्द के कारण बाहर निकल चुकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो बच नहीं पाई। पॉल ने अपने आप को संभालने के लिए छुट्टियां ले ली और उस रात उस औरत के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। पर मैं इस वारदात को ऐसे ही नहीं जाने दे पाई। कुछ दिन बाद मैं उस हॉस्पिटल गई जहां उसे ले जाया गया था और एक नर्स से पूछा उसे क्या हुआ था। मुझे उसकी हालत ठीक से बतानी पड़ी और फिर नर्स को याद आया। ओ, तुम्हारा मतलब मिस रूबी? हाँ, ये तो होना ही था। मैं ऑब्वियसली ऐसे जवाब से शॉक्ड हो गई और पूछा, क्या आप ऐसे ही क्यों बोल रही हैं? उस नर्स ने बताया कि वो औरत उसके पड़ोस में रहती थी। रूबी उसके घर के पास ही रहती थी। उसकी कोई फैमिली नहीं थी और वो अकेली थी, और वो सियांसिस में मीडियम का काम करती थी। नर्स ने मुझे ये भी बताया कि उसके काम की वजह से उस पर बहुत प्रभाव भी पड़ा और उसके आखिरी सियांस में वो बहुत बीमार हो गई और आत्मा ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे समझ आया कि वो उस दिन बदलने वाली क्या बात कर रही थी। उसकी सारी हरकतें इसलिए थी क्योंकि वो पजेस्ट थी। मुझे नहीं पता कि इस बात में कितना सच है या वो सच में बीमार थी, पर ट्रस्ट में जिस तरह से पॉल और मैंने उसकी हड्डियों को टूटते हुए देखा, वो कोई आत्मा ही उसके अंदर कर सकती थी। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उस तरह से अपनी हड्डियां खुद तोड़े। अक्सर रात को मेरी नींद हड्डियों के टूटने और गले के घुटने की आवाज से खुल जाती, वो आवाजें जो मदद के लिए पुकार रही, क्योंकि एक बिन बुलाए मेहमान ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया था। मैं अपने शॉपिंग कार्ट में देख रहा था कि तभी मेरी नजर काउंटर पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो पूरे टारगेट स्टोर को घबराती हुई देख रही थी। वो स्टोर बंद होने का टाइम था तो वहां सिर्फ कुछ ही कस्टमर्स थे। काउंटर पे दो और लोग थे।
मैनेजर कुछ 50 साल का आदमी था और उसका तेज चेहरा था। मैंने उसे उस लड़की को अजीब तरह से देखते हुए देखा। उस लड़की ने फ्लावर प्रिंट की छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और साथ में एक लाल टैंक टॉप। सच कहूं तो वो बहुत अट्रैक्टिव थी और मैंने उसी समय रियलाइज कर लिया कि वो काउंटर पे बहुत अनकंफर्टेबल थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो उस आदमी के पास जाने में हिचकिचा रही थी। जब वो दो लोग काउंटर से निकले तो उस लड़की ने अपना कार्ट हटा लिया और वापस शेल्फ्स की तरफ चली गई। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ लिया, हे सब ठीक है? उसने जवाब दिया, हाँ मैं बस कुछ स्नैक्स लेना भूल गई थी। मैं अपना सामान खरीद के वहां से निकल सकता था, पर मैंने उस लड़की को काउंटर पे इस अजीब आदमी के पास अकेले ना छोड़ने का डिसाइड किया। बिलिंग करवाएंगे? उस आदमी ने बदतमीजी से कहा। नहीं, मैं उसके वापस आने का वेट करूंगा, मैंने कहा और अपना कार्ट साइड में कर लिया। बताने में कोई शक नहीं है कि वो खुश नहीं था, क्योंकि मैंने उसे उस सुंदर लड़की के साथ अकेले रहने का चांस छीन लिया था। मैंने वही किया जो मुझे अपनी बहन के लिए करना चाहिए था अगर वो इस लड़की की जगह होती। 10 मिनट रुकने के बाद वो लड़की वापस नहीं आई तो मैं उसे देखने चला गया। मैं सीधा स्नैक्स वाली जगह पर गया क्योंकि उस लड़की ने कहा था वो वही लेने जा रही है, पर वहां कोई नहीं था। खाली पैसेज में अकेले खड़े मैंने सोचा कि कहीं वो पीछे की साइड से घबराहट में ना निकल गई है, कि तभी मैंने पैसेज के रास्ते में आखिर में एक कार्ट देखा। वो वहां अपना शॉपिंग कार्ट ऐसे छोड़ के क्यों गई? मैंने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। मैं खाली स्टोर में उसे ढूंढने लगा। बाहर मंद मंद बारिश हो रही थी और लग रहा था कि तूफान भी आने वाला है। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा था और उससे 15 मिनट तक ढूंढने के बाद वो जब नहीं मिली मैंने हार मान ली। मैं वापस काउंटर की तरफ जा रहा था कि तभी जोर की बिजली चमकी और लाइट चली गई। तूफान आना शुरू हो गया था। तेज हवाएं पागलों की तरह बह रही थी और स्टोर के कांच के दरवाजों में गड़गड़ाहट हो रही थी। हेलो, कोई है? मैंने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। मैंने पीछे से किसी के धीमी आवाज सुनी और तुरंत मुड़कर देखा। वो लड़की वहां खड़ी थी। वो पसीने से लथपथ थी और उसकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। उसने हमें अंदर बंद कर दिया है। क्या? किसने? वही आदमी जो काउंटर पर था। वो पागल है, उसके पास गन है, मैंने देखी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। मैंने अपना फोन देखा तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। फोन नहीं चल रहे ना? तुम्हें कैसे? वो अभी हमें ढूंढ रहा है और वो हम दोनों को मार डालेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस समय क्या करूं। वो लड़की उस काउंटर वाले आदमी के बारे में बहुत डरावनी चीजें बोल रही थी। मुझे जल्दी से कुछ करना था तो मैं पास का एग्जिट देखने लगा। उसने बताया कि उस आदमी ने एग्जिट्स बंद कर दिए हैं, पर मैं सोच रहा था वो ऐसा क्यों करेगा। मतलब हाँ, वो अजीब सा देख रहा था और हाँ, वो लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, पर क्या सच में वो कोई मर्डरर है जो इस टारगेट स्टोर में अपनी गन लेके घूम रहा है? हमें आगे वाले दरवाजे पर जाके खोलने का ट्राई करना चाहिए और हाँ, हमें 911 भी कॉल करना है। इस स्टोर में कोई सिग्नल ही नहीं है। उस लड़की ने हाँ में अपना सर हिलाया और मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस स्टोर में एकदम शांति थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम अंधेरे में कहीं खो जाएंगे। बाहर तेज तूफान की आवाज आ रही थी और मैं उस लड़की की सांस से भी घबरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेन दरवाजा कौन सा है, क्योंकि वहां पे बहुत अंधेरा था और मेरे मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही थी। मैंने अपना फोन उस लड़की को दिया और कहा, तुम यहां वेट करो, मैं टॉर्च लेके आता हूं, ओके? हम लोग हार्डवेयर सेक्शन में थे। मुझे कुछ तो टॉर्च जैसी लटकती दिख रही थी तो मैं वहां गया और एक टॉर्च उठा ली। मैं वापस उसके पास जाने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा कॉलर पकड़ा और कोने में ले गया। वो जो भी था उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा ताकि मैं चिल्ला ना पाऊं। वो एक भारी हाथ था और उसने मुझे शेल्फ की दूसरी तरफ बड़े शेल्फ पर दे मारा। डर के मारे मैंने टॉर्च ऑन की और वो वही था, वही कैश काउंटर वाला पागल। उसकी आंखें बड़ी खुली हुई थी और उसके माथे के कट से खून बह रहा था। उसने धीमी और डरी हुई आवाज में कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए, वो लड़की पागल हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा चौंक गया कि वो आखिर बोल के रहा है, बल्कि ये तो वो आदमी था जो किलर की तरह हमारे पीछे पड़ा था। उस आदमी ने मेरे मुंह से अपना हाथ हटाया। ये तुम क्या कह रहे? उसने कहा कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या? उसने मुझ पर अटैक किया है। वो, हे, तुम्हें टॉर्च मिली?
जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। मैंने उस लड़की को मेरे फोन के साथ हमारी ओर आते देखा। जैसे ही वो पास पहुंची, लाइट आ गई और मैंने अपने आप को उस लड़की और उस आदमी के बीच में खड़ा पाया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई मुझे बताएगा तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? इस आदमी ने बोला तुमने इस पर अटैक किया है। रुको, इसे देखो और मुझे देखो, ये झूठ बोल रहा है। तुमने देखा नहीं कि ये काउंटर पर मुझे कैसे घूर रहा था? इसी की वजह से मैं उस समय डरी थी। हे भगवान, ये कितनी बड़ी कुतिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। मैंने इसको स्टोर रूम में पड़ी लाश की वजह से लंगड़ाते हुए देखा था, तभी इसने मुझ पर अटैक किया। इसी ने ही मुझ पे स्पैनर से मारा है। मेरे हाथ में खून की बूंद का भी निशान नहीं है। मर्डरर कहीं के, इस पे विश्वास मत करना। अब मेरी सिचुएशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कह रहे थे। तो अपना दिमाग ठीक करने के लिए मैंने इन दोनों को कहा कि मुझे स्टोर रूम लेके जाओ जहां लाश पड़ी। वो आदमी आगे चला और मैंने उसका पीछा किया, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो लड़की कहती जा रही थी कि मुझे उस आदमी की बात नहीं सुननी चाहिए, पर मुझे दोनों पर विचार करना था। जब हम स्टोर रूम के पास पहुंचे, उस आदमी ने एक झटके में दरवाजा खोला और कहा, देखो देख वो रही। वहां पर सच में एक औरत की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसका मुंह बहुत बेदर्दी से चीरा गया था। वो दृश्य इतना घिनौना था कि वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और सब जगह खून ही खून था। हे भगवान, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, और इस आदमी ने जो किया उसके लिए इसको जेल में डालना चाहिए। कौन मैं? मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही इस लाश के पास बैठी थी। मैं पुलिस को वही बताऊंगा जो मैंने देखा। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसे तब देखा जब मैं स्नैक्स लेने वापस गई। तो तुम्हारा मतलब ये औरत पहले से ही मरी हुई थी जब तुम? मैंने उस वक्त उस आदमी के सर पर पूरे जोर से मारा। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। तुम सही कह रही थी, यही खूनी। चलो यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें। मैं तुम्हें कह रही थी कि यही खूनी है। मुझ पे विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वो औरत स्टोर रूम में मिली थी। आई स्वेयर, मैं सिर्फ उसे देख रही थी और जब मैं पीछे मुड़ी, ये आदमी मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा था। मतलब जब से मैं स्टोर में घुसी हूँ, ये आदमी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। ये मुझ पे वार करने आ रहा था कि तभी मैंने स्टोर रूम से स्पैनर निकाला और अपने डिफेंस में इसको मारा। मेरा सच मानो, मैं सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। और तभी लाइट चली गई और मैं तुम सब लोगों से मिली। हाँ हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, चिंता मत करो। मैं उस लड़की को एंट्रेंस के दरवाजे पर लेकर गया और उसे वहां वेट करने को कहा। उस दरवाजे पर दो लॉक्स थे। मैं सीधा काउंटर पर गया और वहां से चाबियों का गुच्छा उठाया। वो लड़की मेरे साथ खड़ी रही और मैंने दरवाजे का पहला ताला खोला। उसने राहत भरी आवाज में बोला, भगवान का शुक्र है कि अब हम यहां से निकल पाएंगे। मुझे लगा ये रात। और उसने अपनी बात पूरी नहीं की। वो फिर से घबराती हुई पीछे जाने लगी। तुमने पहली बार में ही चाबी कैसे ढूंढ ली? या? तुम्हें पहली बार में ही चाबी कैसे पता चली? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो। ये बस एक वाइल्ड गेस था। तुम ही ने उस औरत को मारा है ना? और अब तुमने उस आदमी को भी मार दिया। हे भगवान, वो सच कह रहा था। मैं उसे और झूठ नहीं बोल पाया। मैं वैसे भी उसे कोई सुनसान जगह ले जाकर उसका गला काट कर जंगल में फेंकने ही वाला था, तो अभी क्यों करता? मैंने उसे फ्रेंडली स्माइल दी, पर वो अभी भी मुझसे डर रही थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो मुझे पूरे स्टोर में अपने पीछे भगाती थी। जितना मैं हंस के उसके लिए चीजें कंफर्टेबल कर रहा था, उतना ही वो मुझसे डर रही थी। मतलब सोचो, और क्या ही ऑप्शन है मेरे पास? मैं अपना आखिरी खून करके घर को निकल रहा था। मैंने उस औरत की लाश स्टोर रूम में डाली और निकलने ही वाला था। मतलब मेरी इंटेंशन सही थी। मुझे पता है वो आदमी छिछोरा था, तो मैं सच में उस लड़की का वेट कर रहा था। पर इस पागल कुतिया को देखा, उसको बिना किसी वजह वापस जाना था स्टोर रूम की छानबीन के लिए। उसको वो लाश ढूंढनी ही थी। मैं उसको पहले ही मार देता जब वो लाश से लंगड़ाई थी और डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी, अगर वो आदमी उस तरफ ना आता। मैंने शेल्फ के पीछे छुप के पूरा ड्रामा देखा। उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि मैं ही शिकार हूं और वो मेरा शिकार। पर कोई रिग्रेट नहीं, एक ही जगह तीन को, नॉट बैड। अब मुझे बस इन तीनों लाशों को स्टोर रूम में बंद करना है, सिक्योरिटी फुटेज खत्म करनी है और घर जाना है। मैं सोने से पहले अपना लंबा शावर
वाइन के ग्लास के साथ मजा लेने का और इंतजार नहीं कर सकता। जब ये घटना घटी तब मैं 10 साल का था और मेरी बहन कुछ 6-7 साल की थी। हम एक छोटे सबर्ब में रहते थे जहां बहुत कम मनोरंजन था। जो सबसे ज्यादा मनोरंजक चीज होती थी वो वीकेंड पे होती थी, क्योंकि वीकेंड पे मम्मी हमें सिटी पार्क के बाद एक छोटी शॉपिंग ट्रिप पे ले जाती थी, जहां हम कोई भी टॉय या चॉकलेट खरीद सकते थे। शहर के उस पार एक टारगेट स्टोर होता था जहां हम जाया करते थे। वो एक बहुत बड़ा टारगेट स्टोर था, तो हम वहां बहुत गेम्स खेला करते थे। मुझे अभी भी याद है हम दोनों उन बड़ी बड़ी शेल्व्स के इर्द गिर्द भागा करते थे, पर क्योंकि हम बच्चे थे हम बहुत भोले थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि सब हमें क्यूट बच्चों की तरह देखते थे और कुछ अपने शिकार की तरह। एक हेक्टिक काम के हफ्ते के बाद जब मम्मी को फुर्सत मिलती थी तो वीकेंड आ जाता था। मैं बता सकता था कि वो बहुत थक जाती थी और उन्हें आराम की जरूरत थी, पर मेरी बहन मार्था को तो टारगेट स्टोर जाना ही था और अपनी बाबी डॉल खरीदनी ही थी। मम्मी ने हमें बेड में सुलाया और कहा अगले दिन वो हमें वहां लेके जाएंगी। अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने देखा मम्मी बेड में बीमार पड़ी हैं। उन्हें बुखार हो गया था और उन्होंने कहा था कि हम उनके पास ना जाएं। मुझे नहीं लगता आज मैं तुम दोनों को बाहर लेके जा पाऊंगी। नानी को फोन कर दो, वो तुम्हें पार्क ले जाएंगी। किचन काउंटर पर कुछ पैसे पड़े हैं, वो ले लो और जाओ मजे करो। मैंने हाँ में सर हिलाया और मम्मी ने नानी को पूरी सिचुएशन समझाई। मम्मी ने कहा कि नानी की बात माननी है और अपने आप नहीं घूमना। बड़ा भाई होने के नाते उन्होंने मुझे मार्था का ध्यान रखने को कहा। आधे घंटे में नानी पहुंच गई और गाड़ी का हॉर्न मारा। बाय बच्चों, मजे करना हाँ और नानी की बात मानना। मम्मी ने हमें बाय कहा और हम दोनों बाहर भागे। मैं आगे की सीट पर बैठा और मार्था पीछे। नानी ने हमें पार्क में पहुंचने से पहले काफी मजाकिया कहानियां सुनाई और हमने अपना दिन बहुत खुशी से शुरू किया। जब हम पार्क पहुंचे, हमने और बच्चों को इधर उधर भागते देखा। वो पार्क फैमिली पिकनिक्स के लिए अच्छा स्थान था, तो वहां बहुत से लोग आते थे। मार्था झूले की तरफ भागी और मैं उसके पीछे पीछे भागा। करीब 2 घंटे खेलने के बाद मुझे सोडा लेने का मन हुआ। टारगेट स्टोर पार्क के ठीक सामने था। मैं नानी के पास गया जो बेंच पे बैठी एक किताब पढ़ रही थी। नानी नानी, क्या हम स्टोर में चलें? हाँ बेटा, पर मेरी एक दोस्त आ रही हैं, हम उनसे मिलके चलेंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मार्था बाबी डॉल लेने के लिए पागल होती जा रही थी। उसने मेरी शर्ट खींची और कहा, भैया स्टोर यहीं पर तो है, हम जाके खुद ले आते हैं ना। नानी ने मेरी तरफ देखा और ना में सर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, तुम दोनों यहीं रुको, मेरी दोस्त बस आने ही वाली है। पर मेरी बहन बचपन से ही बहुत जिद्दी है। उसने जमीन पर पैर पटकना शुरू कर दिया और नानी से कहा, प्लीज हमें जाने दे। उसकी हरकतों से तंग आके नानी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे टारगेट स्टोर ले जाऊं और वहीं पर उनकी वेट करूं, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूं। मार्था और मैं टारगेट की तरफ जाने लगे। बड़ा स्टोर होने के कारण मुझे उस स्टोर की छानबीन करने में बहुत मजा आता था। बताने की जरूरत नहीं है कि टॉय सेक्शन हमारा फेवरेट होता था, पर मुझे पूरे स्टोर में घूमने में बहुत मजा आता था। जैसे ही हम स्टोर में घुसे, हमने रियलाइज किया कि वो सच में वीकेंड ही है, क्योंकि लोग सब जगह थे, ग्रोसरीज, खाने की चीजें, नेसेसरी सामान खरीदते हुए दिख रहे थे। मैंने मार्था का हाथ पकड़ा क्योंकि मैं इस भीड़ में खोना नहीं चाहता था। हम टॉय सेक्शन की तरफ चलने लगे और मार्था का चेहरा खुशी से झूम उठा। वो बता रही थी कि वो कैसे कैसे बार्बी को ड्रेस करेगी घर जाने के बाद। टॉय सेक्शन में ज्यादा भीड़ नहीं थी बाकी कंपार्टमेंट्स के मुकाबले। जैसे उसने बार्बी डॉल्स शेल्फ पर देखी, वो मेरा हाथ छुड़ाकर भागने लगी। मार्था मार्था, भागो मत, मैं चिल्लाया। देखो भैया कितनी सारी बार्बीज हैं, मैं हर बर्थडे पर एक बार्बी लूंगी, फिर मेरा रूम बार्बी से भर जाएगा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने ऐसे ही एक बार्बी उठाई और कहा, हाँ हाँ चलो ये वाली ले लेते हैं, उसके बाद मैं सोडा लूंगा। नहीं, मुझे वो वाली नहीं चाहिए, मैंने बारबी वापस रख दी और थकी हुई आवाज में बोला, फिर कौन सी चाहिए, वो सारी तो सेम ही हैं। नहीं, सब सेम नहीं है, उसने फिर एक बारबी जिसने नीले कपड़े पहने थे
टॉप शेल्फ पे इशारा किया जिस पे ऑब्वियसली मेरा हाथ नहीं पहुंचता। मैंने 2-3 बार कूद के उसे पकड़ने की कोशिश की पर नहीं पहुंच पाया। तभी मैं सोच रहा था कि किसी को हेल्प करने को बोलता हूं। एक औरत हमारे पास आई और कर्कश आवाज में बोली, तुम्हें वो वाली चाहिए? मैंने आवाज को फॉलो किया तो देखा एक औरत हमारे सामने खड़ी है। औरत होने के बावजूद उसका शरीर कुछ ज्यादा ही वेल बिल्ट था। उसके कंधे चौड़े थे और मेकअप बहुत ज्यादा लगा हुआ था। उसकी लाल लिपस्टिक खून के धब्बों की तरह लग रही थी। वो अपने पीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराई और बोली, तुम्हें वो वाली चाहिए? इससे पहले मैं कुछ कह पाता, मार्ता ने ऊपर वाले शेल्फ की तरफ इशारा किया और कहा, क्या प्लीज क्या आप वो नीली बार्बी उतार सकती हैं? वो धीरे धीरे हमारे पास आई और मुझसे नजरें बिना हटाए उस बार्बी को उठाया। ये लो बेटी, तुम्हारा भाई ज्यादा बात नहीं करता। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैथ्यू, और ये मेरी बहन है मार्था। हाउ स्वीट। तुम्हें पता है मार्था, मेरे पास वैन में बहुत सारी सुंदर सुंदर डॉल्स हैं। तुम आके देखना चाहोगी? तुम्हें जो पसंद आए वो तुम फ्री में ले सकती हो। शायद मैं सिर्फ 10 साल का था पर मैं जानता था वो औरत हमारे लिए अजनबी है और सच कहूं तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। नहीं थैंक यू, अब हमें जाना है। हमारी नानी यहाँ कभी भी आ जाएंगी। जैसे ही उसने मेरे मुंह से सुना मेरी नानी के बारे में, उसका चेहरा बदल गया। ओह, मुझे लगा तुम लोग अकेले आए हो। मैंने मार्था को खींच के वहां से ले जाने लगा पर मार्था जो कि बहुत हाइपर एक्टिव थी उसने कहा, हाँ हमारी नानी पार्क में हमारा वेट कर रही है। मैंने देखा उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फिर वो गंदी स्माइल दी और कहा, अच्छा चलो फिर मिलते हैं उनसे। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और आगे बिना कोई बात किए वहां से चलने लगा। मैं पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रही, पर वो वहां वहीं खड़ी उसी तरह हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। हम कैश काउंटर की तरफ पहुंचे और लाइन में खड़े हो गए। हमारे आगे 4 और लोग लाइन में थे और मुझे याद आया कि मैं अपना सोडा लेना भूल गया था। मैंने मार्था को कहा, मैं सोडा लेके आता हूँ, तुम लाइन में खड़ी रहो। लोगों के बीच से होकर मैं सोडा जहाँ पे होता है उस सेक्शन में पहुंचा, पर मुझे तभी रियलाइज हुआ कि मेरी बहन काउंटर पर अकेली है। मैं तेजी से कैश काउंटर की तरफ जा रहा था कि तभी यह हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैं मुड़ा और देखा वो नानी थी। तुम्हारी बहन कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरा कैश काउंटर पर वेट कर रही है। हम दोनों वहां गए पर मार्था वहां नहीं थी। नानी और मैं दोनों घबरा गए और काउंटर पर औरत को बताया कि मेरी बहन अचानक गायब हो गई है। उसने पूरे स्टोर में अनाउंस करना शुरू कर दिया कि हमें काउंटर पर आके मिले, पर वो कहीं नहीं थी। हमने 4 एम्प्लॉयज के साथ पूरे स्टोर की छानबीन की और मैं बहुत डर गया था कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो गया। स्टोर मैनेजर ने पुलिस को बुलाया और तभी मुझे वो अजीब सी दिखने वाली औरत के बारे में याद आया। मैंने पुलिस को बताया कि वो उसे अपनी मिनी वैन में ले जाने की कोशिश कर रही थी और कहा कि वहां बहुत सारी डॉल्स हैं। पुलिस टारगेट स्टोर की पार्किंग पर पहुंची और उसे चारों तरफ से घेर लिया। शुक्र है उन्हें यह गाड़ी जंग लगी मेरी वैन एक कोने में पार्क हुई मिल गई। वो वैन जोर जोर से हिल रही थी और उसमें एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मेरी नानी ने मुझे रोक लिया ताकि मैं वो दृश्य ना देख पाऊं जो पुलिस ने देखा जब उन्होंने वो मिनी वैन के पीछे का दरवाजा खोला। बहुत सालों बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया वो औरत एक्चुअली एक मर्द था जो औरत के लिबास में था। पुलिस ने उसे तब पकड़ा जब वो हमारी बहन को तारों से बांध रहा था। और यही नहीं, उस वैन में 2 और बच्चियां थी। वो बहुत नशे में थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उसने उन 2 लड़कियों का भी अपहरण किया था। और जब उन्होंने आगे की सीट चेक की तो वहां और भी घिनौनी चीज थी। वहां एक औरत पड़ी हुई थी जिसका चेहरा एक तेज छुरे से कटा हुआ था, उसके बाल नोचे हुए थे और एक विग बन गई थी। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ था और उस पर बहुत हैवी मेकअप था। बेसिकली जब हम उस आदमी से मिले उसने इस मरी हुई औरत का चेहरा लगाया हुआ था, तभी वो इतना अजीब लग रहा था। उस आदमी को किडनैपिंग, एबडक्शन और मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया। ये आदमी अपनी बीवी के साथ था जो बच्चों को बहला फुसला कर अपनी वैन में ले जाता था, पर उस औरत ने उसे कहा कि वो ये सब गंदा काम करना बंद कर दे वरना वो पुलिस के पास जाएगी। मुझे जो बात घटिया लगी वो ये थी कि उसने अपनी बीवी का मुंह बंद करने के लिए उसे मारा
बल्कि औरत बन के बच्चों को बहलाने की भी कोशिश की। मेरा विश्वास करो, उसका ये प्लान किसी हद तक तो अच्छा भी चला। जब मैं सोडा लेने गया तब उसने मेरी बहन को अपने जाल में फंसाया। अगर आप मुझसे पूछो, मुझे नहीं लगता वो आदमी ये काम पैसों के लिए करता था। वो घटिया घिनौना आदमी था और मुझे खुशी है कि वो अब अपनी सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा।